नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीडीसी की एक जो रिपोर्ट आई है कि डेल्टा वेरिएंट का क्या फैलाव हो रहा है, उसके बारे में जो जो वैक्सीनेटेड है उनके अंदर कैसे फैलाव हो रहा है, दूसरे महामारियों के मुकाबले में और या तो जो पहले की नस्ल थी उसके मुकाबले में डेल्टा वेरिएंट की क्या बढ़ोतरी हो रही है, इन सब विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर सतीश रथ, जो हमारे साथ हर हफ्ता COVID-19 के बारे में चर्चा करते हैं। सत्यजीत, पहली बात, सीडीसी की जो रिपोर्ट है अमेरिका की, जो इन विषयों पर चर्चा करने वाले संस्था है, उनकी रेगुलेटरी संस्था है, तो पहली बात तो यह है कि डेल्टा हमारे यहाँ से शुरू हुआ, चर्चा वो कर रहे हैं रिसर्च की, वहाँ पर जो हमें खबर मिल रही है वहाँ से मिल रही है, इस तरह के हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इस तरह के रिपोर्ट जो है, क्या हमारे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ICMR है, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया क्या, और क्या इसके बारे में हमें कोई जानकारी है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शायद इस तरीके की एक रिपोर्ट सरकार को दी हुई है, सुनने में आता है, लेकिन आम लोगों तक पहुंची हुई मैंने तो सुनी नहीं है। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि CDC जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की जो सरकारी संस्था है, यानी कि संक्रामक बीमारियों पर अन्वेषण करने वाली संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो उनके पास सबूत काफी बहुत ज्यादा है, आंकड़े बहुत ज्यादा है, सबूत ज्यादा है, और इसलिए जो कुछ अनुमान लगाने हैं अमेरिका के बारे में वो बड़े ठोस आधार पर लगा सकते हैं। हमारे पास, जैसे कि हम लोग चर्चा करते आए हैं, आंकड़े उतने भरोसेमंद नहीं है, और जितनी वायरस की प्रणाली निश्चित करनी है, सीक्वेंसिंग करनी है, वो बहुत कम पैमाने पर हुई है, तो इसलिए हमारी पास आंकड़ों का भी अकाल ही तो है। तो ये दोनों कारण है कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में जो परिस्थिति है उसको लेकर इतने सीधे रपट नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ डेटाबेस की जो है काफी कमी है, क्योंकि हमने उस तरह से जीनोम सीक्वेंस किया नहीं है, एक जो हमारे बीमार लोग हैं उनसे लेकर सैंपल्स लेके इस पैमाने पे हमने जीनोम सीक्वेंस किया नहीं, और जो हम पहले भी चर्चा करते आए हैं UK ने किया है और कुछ और देशों ने किया, अमेरिका का ये रिपोर्ट जो है उसकी अपनी काफी ज्यादा संख्या में जीनोम सीक्वेंस करके और उसको मैप करके उन्होंने ये हमें बतला रहे। लेकिन प्रबीर, सिर्फ वायरस जेनेटिक सीक्वेंसिंग की नहीं है, वो तो है ही बड़ा मुद्दा, लेकिन हम लोगों ने एक बात और याद रखनी चाहिए। एक सवाल ये भी है कि बीमार लोगों का आंकड़ा कितना है और क्या ये आंकड़ा सचमुच भरोसेमंद है या नहीं। तो आम तौर से अंदाजा ये लगाया गया है कि 1.5 गुना जितना बताया जा रहा है सरकारों से, उसकी तुलना में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा केसेस, यानी कि अगर 10 केसेस बताई गई हैं तो 15 केसेस सच में हो, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है यूरोप अमेरिका जैसे देशों के लिए। हिंदुस्तान में ये जो फर्क है कि गिने कितने गए हैं आंकड़े और सचमुच कितने हैं, इसमें फर्क बहुत ज्यादा है। ये हुई एक बात, और दूसरी बात, फर्क जो फर्क है उसमें भी काफी फर्क है, यानी कि केरला की बात देखें तो दिए हुए आंकड़ों में और सच्चाई के आंकड़ों में जो फर्क है वो थोड़ा कम है,
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये फर्क बहुत ही बड़ा है और अलग अलग जगहों में ये फर्क अलग अलग है। तो इसलिए हमारे आंकड़े सिर्फ जीनोम सीक्वेंस ना होने के कारण से भरोसेमंद नहीं है, उतनी ही बात नहीं है। बीमार लोगों के आंकड़े गिनने में भी हमारे पास बहुत खामियां हैं। इसके मतलब कितने वैक्सीनेटेड लोग बीमार पड़ रहे हैं, नहीं बीमार पड़ रहे हैं, कितने अनवैक्सीनेटेड लोग बीमार पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, ये आंकड़े भी हमारा तुलना के लिए इतना आसान नहीं है। चले चलिए आते हैं सीडीसी के आंकड़ों पे, क्योंकि उनका डेटाबेस हमसे ज्यादा है। एक तो है कि समृद्ध देश है, एक बात तो ये है ही, दूसरी बात है एक उनकी इन चीजों पे काफी मार पड़ी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहते हुए, तो थोड़ी सी उनको अभी तत्परता आई है कि हाँ कुछ करना है, तो वो भी एक इशू है। पर मोटा मोटा जो नतीजे हैं उसका आप बताएंगे कि मान लीजिए हम कहें इसके तीन चीज निकाल के देखें कि विच आर द थ्री मेन थिंग, तीन मुख्य मुद्दा क्या है सीडीसी के इस रपट की। सीडीसी का ये जो रपट है इसके दो भाग हैं। पहला भाग थोड़ा सा पुराना हो चुका है क्योंकि वो वायरस की विषाणु की जो पुरानी नस्लें हैं, पिछले साल की नस्लें हैं, उनके बारे में है। और वो भाग ये कहता है सिर्फ कि आमतौर से जितने टीकों के बारे में सीडीसी ने जिक्र किया हुआ है, जो वो आम टीके एनआईएच मॉडर्ना, बायोनटेक फाइजर और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन्स को लेकर, टीकों को लेकर है, लेकिन इन टीकों के बारे में जो कहा जा सकता है वो पहले भाग में है, पहले आधे भाग में, कि वो टीके बहुत ही पिछले साल की वायरस नस्लों के खिलाफ असरदार हैं, कारगर हैं। लेकिन ये तो कल की खबर हुई, आज की खबर क्या है वो दूसरे आधे भाग में सीडीसी के रिपोर्ट में है, और तो वो है डेल्टा वेरिएंट को लेकर। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट जो हम वो है डेल्टा वेरिएंट को लेकर, और डेल्टा वेरिएंट को लेकर तीन सीधे साफ मुद्दे सीडीसी की रपट में हैं। एक ये है कि डेल्टा वेरिएंट पहले की नस्लों से ज्यादा फैलाव में कारगर है, थोड़ा बीमारी में भी कारगर है, मतलब कि बीमारी की गंभीरता में भी कारगर है, और इसलिए सब जगह है अब डेल्टा वेरिएंट और उसकी संतति नस्लें पहुंच रही है। दूसरा मुद्दा यह है कि जहां तक टीकों का सवाल है, गंभीर बीमारी और मौत के खिलाफ सारे ये जो अपन ने टीकों का जिक्र किया, ये सारे टीके डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर हैं। और तीसरा मुद्दा, सौम्य बीमारी के खिलाफ, डेल्टा वेरिएंट से बनती सौम्य बीमारी के खिलाफ और उस सौम्य बीमारी से होने वाले संक्रमण के खिलाफ, डेल्टा वेरिएंट से होने वाले संक्रमण के खिलाफ ये टीके उतने कारगर नहीं हैं जितने पिछले साल की नस्लों के खिलाफ है। और इसलिए सीडीसी के रपट का कहना है कि एक और हमने बिल्कुल अच्छी आशा रखनी चाहिए कि मौतें और गंभीर बीमारियां हम नियंत्रण में ला सकते हैं उन्हीं टीकों से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, लेकिन क्योंकि हम संक्रमण नियंत्रण में लाने में, डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण नियंत्रण लाने में उतने कारगर ना होंगे इन टीकों से, इसलिए शारीरिक दूरीकरण रखना, अच्छे नकाब पहनना और ये ना मानना कि महामारी खत्म हो गई। महामारी के लिए जितने सारे उपाय हैं वो सारे जारी और काम में रखना, ये हमारे लिए आज सीडीसी का रिपोर्ट बतलाता है। हम तीसरे मुद्दे पे थोड़ा बाद में आते हैं क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से
बहुत सारे चीजें आ जाती है, उसके लिए ये भी आ जाती है दुनिया में सरलीकरण, नॉर्मलाइजेशन जो है वो जल्दी होने वाला नहीं है, पर उस पर बाद में आते हैं। पर पहली जो आप बात, पहले बात जो आप रख रहे थे कि इसकी बीमारी के संक्रमण, कंटेजियस जो कैरेक्टर है वो काफ़ी पहले नस्लों से ज़्यादा है, तो उसमें मैं जो देख रहा था इसकी रपट में, वो संक्रमण सिर्फ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो बताता है कि करीब करीब ये मीजल्स तक तो नहीं पर चिकन पॉक्स जैसे बीमारी के तेजी, उस तरह के संक्रमण होने का संभावना है। और जो पहले नस्ल थे तो वो करीब करीब पुराने बीमारी जो हम जानते हैं, स्मॉल पॉक्स, फ्लू, स्पैनिश फ्लू के साथ भी तुलना किया है तो काफ़ी भयावह था वो, पर उसके मुकाबले में करीब करीब एक ही था, पर ये जो नस्ल है ये काफी ज्यादा है। जी, सीडीसी के रपट ने तो ये कहा, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इस मुद्दे को लेकर भी अपन ने आंकड़ों की बारीकी को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, फैलाव की रफ्तार कितनी है, फैलाव की क्षमता कितनी है, इसको लेकर जो आंकड़े हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े टुकड़ों टुकड़ों वाले आधार पर बनाए गए आंकड़े हैं। तो अभी दिल्ली दूर है, अभी ये और आंकड़े आएंगे, जैसे आंकड़े आएंगे ये जो अंदाजे हैं इनमें बदलाव होते जाएगा। तो मेरा मानना है कि अपन ने इन आंकड़ों की इन आंकड़ों की बारीकी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए जितना कि ठोस मुद्दे पर करना चाहिए। ठोस मुद्दा क्या है, जो अपन कहते आए हैं प्रवीर इन चर्चाओं में पिछले साल से, कि जैसे कि शारीरिक दूरीकरण हमने दुनिया भर में अपनाया, वैसे वैसे नई नस्लें जो वायरस की उभरती आई हैं, वो नस्लें रफ्तार फैलाव की ज्यादा क्षमता रखती हैं। तो अल्फा वेरिएंट पिछले साल की पहली नस्ल से ज्यादा फैलाव की क्षमता रखता था, बीटा गामा वेरिएंट उससे भी थोड़ी ज्यादा क्षमता रखते थे, डेल्टा वेरिएंट उनसे भी ज्यादा क्षमता रखता है। सीडीसी की रपट में एक यूं चित्र बनता है कि वो बाकी के अलग थे और ये बिल्कुल अलग है, लेकिन सच में आंकड़े देखे तो ये कदम दर कदम फैलाव की क्षमता बढ़ती हुई नस्ल दर नस्ल सामने आ रही है। तो ये चित्र हमने ठोस पैमाने पर दिमाग में रखना चाहिए। आंकड़े की बारीकी जैसे अपन आते आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और सुस्पष्ट होते जाएंगे। तो इसपे बहुत ज्यादा डरावना एक संभावना ना बने, आपका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसको संतुलित ढंग से देखें, और खास तौर से हमारे यहाँ थर्ड वेव जो कि डेल्टा का प्रभाव से हुआ था, उससे साफ है कि बड़ी रफ्तार से तो बढ़ी थी, पर उसको किससे कंपेयर करें, बेस किससे करें, उतना दूर ना जाए। पर यह भी है कि अगर आप देखें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं बनता है, कि आप मान लीजिए 50% पहले से एक नस्ल 50% अच्छा हो, ज़्यादा फैलाव की क्षमता रखता है, तीसरी नस्ल आता है तो उससे 50% ज़्यादा फैलाव की संभावना रखता है, तो वो 50x50 नहीं होता है, 50+50 नहीं, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। पर ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा एक जंप है, पर हाँ फैलाव ज़्यादा है इस पर कोई संदेह नहीं है, और जितना वो वायरस डेल्टा में एक आदमी से निकलता है, एक इंसान से निकलता है, वो भी कह रहे हैं कि इसके उत्पादन भी थोड़ा पहले से नस्लों से ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आता है कि आपने जो पॉजिटिव बात रखी कि अगर हम देखें जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनसे अगर कंपेयर करें, और उसमें उनकी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर रखी है
कि हमें देखना पड़ेगा वैक्सीनेटेड लोग कितने हैं और जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं कितने हैं, और उनसे सैंपल को सैंपल कंपेयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि कितने वैक्सीनेटेड लोग बीमार पड़े, क्योंकि अगर आपका सैंपल साइज जो है वैक्सीनेटेड लोगों का ज्यादा है, जाहिर है कुछ वैक्सीनेटेड लोग उस पर बीमार पड़ेंगे। तो असली जो ठोस बात है इससे निकलता है, जो आप कह रहे थे कि सीरियस केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, ये दोनों की संभावना काफ़ी कम है वैक्सीनेटेड लोगों में। और अमेरिका में जो खास प्रॉब्लम इसीलिए भी है कि पॉकेट्स में, दो तरह के पॉकेट्स, एक जो लोग राजनीतिक रूप से वैक्सीनेट नहीं होना चाहते, मास्क नहीं पहनना चाहते, वायरस के खिलाफ सीना तान के घूमना चाहते, तो एक तो उनका हुआ जो विश्वासी नहीं करते हैं वैक्सीन नामक कोई चीज है। दूसरी बात, इन लोगों में जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, पॉकेट्स है जहां पर इमिग्रेंट कम्युनिटी है, जहां पर उनकी दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो सरकार के सामने, सरकार के इस प्रोग्राम से शरीक नहीं हो पाते हैं। तो वैक्सीनेटेड लोग जहां पर इतने नहीं है, वहां पर भी फैलाव की संभावना ज्यादा है। ये एक चित्र मिलकर आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन और एक बात हमने याद रखनी चाहिए, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसमें और भी एक फर्क है। जो लोग एक सांस्कृतिक राजनीतिक सोच बना के, अवैज्ञानिक गैर वैज्ञानिक सोच बना के बैठे हुए हैं कि हम टीके लेंगे नहीं क्योंकि टीकों का विज्ञान झूठा विज्ञान है, हमारी जो अजीबोगरीब सोच है वो ही सही है, ऐसे लोगों का जो गुट है, जो सामाजिक गुट है उनका, और जो लोग अक्षम गुटों में से लोग हैं, यानी कि गरीब हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, यानी कि बगैर दस्तावेज वाले लोग हैं यूरोप अमेरिका में, इन दो गुटों में समानता तो ये है कि दोनों में टीकाकरण का प्रमाण बहुत ही कम है। लेकिन एक बात उनमें समान नहीं है, वो ये है कि इन गुटों की घनता बहुत कम है, इन गुटों की घनता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अक्षम तबकों के लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के भीड़ में रहते हैं। ये जो दूसरे तबके के लोग हैं, जो राजनैतिक गैर टीके वाले लोग हैं, उनकी सामाजिक घनता, उनकी डेंसिटी इतनी नहीं है, और इसलिए फैलाव इस गुट के जरिए, इस गुट में बहुत ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि फैलाव तो सांस से सांस तक जाएगा। तो इसलिए ये फर्क भी हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात यहां तक जानी है आज ना कल कि ये जो राजनैतिक टीका विरोधी गुट है वो कहेगा, अरे हम तो टीका नहीं ले रहे, हम में फैलाव नहीं हो रहा। फैलाव इसलिए नहीं हो रहा कि वो एक दूसरे से दूरियां रख के रहते हैं, उस तरीके की संस्कृति है, उस तरीके का समाज है, लेकिन गरीब लोगों के दरमियान बिल्कुल अलग बात है, और उनमें फैलाव बहुत ज्यादा जल्दी से और आसानी से हो सकता है, ये भी हमने भूलना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं अमेरिका में रेड स्टेट, राजनीतिक रूप से रेड नहीं है, उनकी पार्टियों में ब्लू पार्टी अर्थात डेमोक्रेटिक और रेड पार्टी उनकी रिपब्लिकन्स, और क्यों वो रेड है वो अलग बात है। तो रेड स्टेट्स में घनत्व कम है, और इसीलिए सत्यजीत जो बात कह रहे हैं, वहां पर काफी एंटी वैक्सर्स हैं, पर वो इस तरह से बीमार शायद नहीं पड़ेंगे। पर अच्छी बात यह है कि शहरों में भी ऐसे लोग हैं और वो फैलाव बढ़ा रहे हैं। तो उसी का, चूंकि आप अमेरिका का और सीडीसी की रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, उदाहरण ये है कि उस जो जिनको आप रेड स्टेट्स कह रहे हैं, जो अमेरिकाई दक्षिणी राज्य जो है, वो आमतौर से उस तरीके के राज्य है, लेकिन उन दक्षिणी राज्यों में कई काफी कृषि प्रधान राज्य हैं, लेकिन फ्लोरिडा कृषि प्रधान राज्य नहीं है।
फ्लोरिडा काफी नागरी राज्य है और आंकड़े देखिएगा तो ये जाहिर हो जाएगा कि पिछले हफ्ते भर में फ्लोरिडा में बहुत बड़े पैमाने पर डेल्टा वेरिएंट का फैलाव हो चुका है और बड़ी तेजी से हो चुका है, और ये आधार है आंकड़ों से मिलने वाला उस बात के लिए जो अपन अभी कह रहे हैं। सत्यजीत, वक्त काफी हो चुका है आज, तो आज इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे, पर अगले बार हमारे यहाँ की जो सीरो प्रेवलेंस स्टडीज की बात की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि थर्ड वेव और सीरो प्रेवलेंस स्टडीज ये दोनों चीज एक साथ लेकर क्या होने वाला, होने की संभावना है, और सीडीसी की इस रिपोर्ट जो दिखाता है हमें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, हमारा वैक्सीन का सिनारियो अभी भी काफी डावाडोल है, जिस टारगेट्स था उस टारगेट की तरह हम नहीं पहुंच रहे हैं, और साफ है कि आपने जो कहा महामारी की स्थिति इस डेल्टा वेरिएंट के चलते हुए और भविष्य की और भी नस्लें आने वाले हैं इसको मानते हुए हमें इन चीजों पर ध्यान देनी पड़ेगी। धन्यवाद सत्यजीत हमारे साथ होने के लिए और इन चीजों पर थोड़ी सी गहराई से हमारा नजर ले जाने। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे वेबसाइट पर भी आइए। We'll be right back.